फर्स्ट टाइम देखा था, मुझे पता भी नहीं था क्या होता, पर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज थी भाई। हमेशा शूट कर तो समझ नहीं आता है ना, आज देखो कितनी ऑडियंस है। तो हेलो फ्रेंड्स, आ चुके हैं एक न्यू वीडियो के साथ और अभी टाइम हो रहा है 7:10 और आज ये पहली वीडियो है जो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके पहले मैंने कोई सी भी क्लिप नहीं शूट करी। और चलो पहले गुरुद्वारे चलते हैं। और भाई आज है नानी बाई का मायरा, अगर मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ तो प्लीज़ उसे थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। और आगे पैम्पलेट तो आप देख ही, हॉर्न वाले दम नहीं लेते यार, आगे पैम्पलेट तो आप लोग देख ही लोगे। और भाई मतलब क्या ही बोलूँ, आज मेरा 5th ब्लॉग है कंप्लीट होने जा रहा है, तो गणपति बाबा का इतना इतना धन्यवाद कि मतलब भाई उम्मीद नहीं थी कि 10 days 10 ब्लॉग वाला चैलेंज मैं कंप्लीट कर पाऊंगा, पर ये जो आज मेरा ब्लॉग है, ये 5th ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है, एंडिंग भी गणपति बाबा की दुआ से अच्छे से होगा। मतलब आधा अपन ने अपना मिशन पूरा कर लिया और आधा अभी बाकी है, आधे को और अच्छे से हम करने की कोशिश करेंगे। तो चलो सबसे पहले गुरुद्वारों के आते हैं, वही रूटीन है, गुरुद्वारे जाएंगे, आरती करेंगे, यहाँ पे बच्चों के गेम्स होंगे, फिर बड़वानी धरोहर जाएंगे, शूट करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे नानी बाई का मायरा। इस बार शायद से मैंने सही प्रोनाउंसिएशन करा। तो चलो सबसे पहले चलते गुरुदास साहब, फिर वहाँ से आके आपसे बात करते हैं। अभी चल रहा है यहाँ 1 मिनट गेम, 1 मिनट के अंदर जितनी बॉल आप लोग डाल सकते हो डालना है। रुक जाओ, टाइमर स्टार्ट कर ले तो शाम, टाइमर स्टार्ट कर। 3, 2, 1 स्टार्ट। और यहाँ हमारे कीपर सारे बॉल पकड़ते हुए, ओ गई, एक बॉल गई। अच्छा से डाल, भाई ये जीतेगा साहब। A few moments later. तो हेलो फ्रेंड्स, आ चुके हैं। अरे यार भाई वीडियो स्टार्ट कर ली और मैं भूल गया हूँ। और अभी टाइम हो रहा है करेक्ट 9 और मैं निकल रहा हूँ बड़वानी धरोहर के लिए। बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा आ रही है मुझे पता है, क्योंकि बाहर बच्चों का चल रहा है 1 मिनट गेम जिसके अंदर बाल्टी के अंदर बॉल डालनी है। और हमारा एक प्लेयर तो ऐसा था जिन्होंने 9 बॉल डाली लगभग ठट, और मेरे से एक भी नहीं गई। ठीक है तो भाई चलते बड़वानी धरोहर के लिए। और आज नानी भाई का मायरा है, देखो सही प्रोनाउंसिएशन कर दिया मैंने। ठीक है तो चलो, और आज तो बिल्कुल डिसेंट से कपड़े पहने, व्हाइट टी शर्ट, ब्लैक जीन्स, ब्लैक एंड व्हाइट शूज, डिसेंट। तो चलो ये हमारा आई कार्ड ले लिया, निकलते अब यहाँ से। और आज बच्चों के लिए नाश्ता भी पोहे और समोसा। शाबाश बेटा, बहुत A few moments later. भाई पहली बार मंडी में आया हूँ बड़वानी की, पहली या दूसरी बार अभी तक। और अब हम आ चुके हैं स्टेज के इस साइड पर, मेन रोड पे। और ये जो इंसान है भैया, ये जो इंसान है ना, ये मेरे को सबसे ज़्यादा दिक्कत देता है हर लोग के अंदर, इनको आपने देखा ही होगा। मैं दिक्कत दे भाई, तू मेरे को दिक्कत दे यार। मतलब ये देख लो यार, मतलब हद है यार, दोनों कंटेंट क्रिएटर हम दोनों यार, ये इनके ऊपर फोकस करो। ओह माय गॉड, आ चुके हैं इसके राइट हैंड साइड पर, बॉयज साइड पर। और अब जा रहे हैं ऊपर, ऊपर से फोटो और वीडियो दोनों ले लूंगा, अच्छी आएगी। भैया ने बताया आइडिया ये ले। भाई हमेशा शूट कर तो समझ नहीं आता है ना, आज देखो कितनी ऑडियंस है, जहां तक देखोगे वहां तक की ऑडियंस है। बड़वानी की पब्लिक का इतना सपोर्ट है, सपोर्ट है बड़वानी धरोहर वालों को। मैं तो सोच रहा हूँ इसका तो थंबनेल ही डाल दूं यार आज, ये देखो।
और एक चीज और बता दे, ये जो वायर ही ओपन है तो इससे हम दूर होके शूट कर रहे हैं, तो भैया ने मुझे डराया, भैया ने मुझे डराया कि ये दूर से ही खींच लेगी, इससे दूर होके शूट करना। और हर कोई चेयर पे बैठा है, ये जो लोग खड़े हैं उनके लिए भी चेयर्स बहुत सारी जगह खाली है। अब इतनी दूर से मैं नहीं बता सकता, पर ऐसी बहुत सारी जगह चेयर खाली है, उसके लिए जाके बैठना पड़ेगा आप लोगों को। और सुनो, और जितनी चेयर्स और चाहिए ना वो टेम्पो के अंदर उतनी चेयर्स भी पड़ी है, मतलब नहीं ज़्यादा तो 100-150 चेयर उस टेम्पो के अंदर भी अभी पड़ी हुई है लगाने के लिए। आप वो भाई को देख सकते हो, मैं उसको फोन लगा रहा तो भी वो खिचड़ी खाने में लगा हुआ है। एक मिनट, वो भाई को आप देख सकते हो, देखो। हाँ, इसको बोलते हैं खिचड़ी लवर। हेलो, बोलना खिचड़ी कम खाए। ऊपर ऊपर देखो, ऊपर शूट हो रहे हो आप, शूट हो रहे हो पीछे पीछे आप शूट हो रहे हो बहुत अच्छे तरीके से। खिचड़ी बसा रहे हो? हाँ। जो चमत्कार नहीं है प्रिय, या तो एक भगत की आपके भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा है। स्वामी यो भगवान है नरसी, फिर देखना ही चाहो तो आओ वो देखो। बोल भाई, तने के दुख है? मैं भिखारी हूँ, जगत के जंजाल में फंसकर मेरे सब कुछ लुटा चुके हो, और अब भूखो प्यासो दर दर भटक रहे हो। सेठ, तू तो आज मेरी आंखें ही खोल दी, तू मने सच्चो रास्तो दिखायो है। अरे तू तो भगवान को भेजोड़ो दूत है, अब या माया यो धन यो वैभव मेरे कोई काम को कोनी। पुनीम जी, आपनो सगड़ो धन दान करने की व्यवस्था करो। हरे कृष्ण। नरसी जी, बारा बड़ा धन था, जी को थे अच्छे पधारिया, अब तो थे अच्छे ही मारे आश्रम में रहो, प्रभु की सेवा करो और मने भी थारी सेवा को मौको दियो। सूरत का बहुत महंगा भरी है। और तो सब ठीक है, पर अब नरसी जी को के करा, आपना सगा तो पे ही है। ए जी, मैं तो घर बार छोड़कर बड़ा सन्यासी होगा, नहीं आखिर मैं भी तो पंजा में बैठा हूँ, निमंत्रण तो देना पड़ते ना। ठीक है, वे आपकी सामर्थ अनुसार जो देगा। उपाय यो ही है कि पत्रिका में नरसी जी ने इतनो मायरो लिखते हो कि ना तो नरसी जी करने इतो सामान होवेगो और ना ही नरसी जी अठे आवेगा। अरे बाहर मेरा सपूत, वो भी सच्चे कदी है। तेरे कहने का मतलब यो है, ना ही नरसी जी मायरो ल्यावे और ना ही अठे आवे। लिखो कोकलिया जी। हां जी। सवा 25 मण सुपारी। सवा 25 मण सुपारी। और लिखो सवा 25 मण रोली। सवा 25 मण रोली। हाँ। अरे इतनी रोली से के गांव की दीवार पोतनी है। फिर लिखता जाओ जी, लिखो। रामी लुखाड़ो है। मानने तो यो सबो डुबो कर रही थी, सारो गांव क्या क्या थी। नसी दिया थी और अठे आके मेरे तन तार बजा थी। कवे का चूली तोड़ेगा, घड़ी भीड़ में we'll be right back.
जल प्रवाह पावितस्तरे गले वलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गम्बालिकाण्डवन्तनोतुर शिव 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 जटाकटाः सम्भ्रमप्रमन्दिरोल फाइनली गाइस 11:55 हो रही है अभी और पूरा एंड हो चुका है, पैकअप हो रहा है। और आज जो नानी भाई का मायरा था, मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, मुझे पता भी नहीं था क्या होता, पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ थी। और ये वीडियो लंबी करूँगा मैं तो भाई, बहुत लंबी, मतलब 15 मिनट तक तो रखूँगा मैं, क्योंकि मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी है। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप सब लोग वो चीज़ देखो, नानी भाई का मायरा बहुत अच्छी चीज़ थी भाई, मैंने तो देखा ही नहीं था आज तक पहली बार। और मैंने देखा और जितनी भी परफॉर्मेंस हुई है डांस की, बहुत अच्छी हुई है सारी परफॉर्मेंस। तो बस अब खाना खाने जा रहे हैं, आज जैसे कल खिचड़ी थी, आज खाना बना सारे जितने भी मतलब मेंबर्स है ग्रुप के उनके लिए। तो चल रहे हैं सबसे पहले अब खाना खाने, उसके बाद आपसे आगे बात करता हूँ। और खाने में अच्छी अच्छी चीज़ें बनी है, तो पहले खा के आते हैं क्योंकि भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। तो भाई खाना खा लिया है और एकदम पेट फुल हो गया है यहाँ तक। और अभी टाइम हो रहा है 1:05, ठीक है ना भाई, 12:55 पे आए थे, नहीं 11:55 पे आए थे और 1:05 अभी हो रहा है। तो आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और भाई शेयर भी नहीं करते हो ना, लाइक करते हो, तो क्या कर रहे हो भाई, शेयर भी करो लाइक भी करो, कुछ तो करो चैनल के लिए। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग के साथ, कल की चीज़ आपके लिए सस्पेंस ही रहेगी अभी 10 दिन। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, बाय बाय, गणपति बाबा मौर्या। दूल्हे राजा जी, यो मैन देख लो दूल्हा आया है स्पेशल। ओ हो डैडी बिहाइंड द सीन। तो चल रहे हैं आप, सबसे पहले खाना खाते। 3, 2